शहरयार कह रहा था कि तुम लोग अच्छी अच्छी सी पिक्चर सिलेक्ट कर लो, उसके बाद वो एल्बम बनवा देगा उसकी। ये है बेस्ट पिक्चर, इसे इनलार्ज करवा कर ड्राइंग रूम में लगवा लो। क्या हो गया नताशा, इतनी अच्छी पिक्चर तो है। इसकी मिजाल तो देखो, सुहेर के साथ तस्वीर बनवा ले। उसमें सिर्फ जुहेर भाई नहीं है, गौर से देखो, मैं और शहरयार भी हैं। स्टाइल तो देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे इसका पैर जुहेर के साथ हो। हो नताशा, इतनी बारीकियों से क्यों देख रही हो? अगर वो जुहेर भाई के साथ भी बैठ जाती फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम होती। प्लीज यार, कभी तो अच्छा सोचा करो। ऐसे बंसवर की तस्वीर उतरवाई है जैसे हम जैसी हो। मुलाजमा नहीं है नताशा, वो कितनी दफा मैंने तुम्हें ये बात समझाई है, हालात की सताई हुई है इसलिए वो इस घर में रह रही है। और अगर तस्वीर साथ खिंचवा ली तो क्या अर्ज है इसमें? इसे हमारी फैमिली पिक्चर में होना ही नहीं चाहिए था। छोड़ दो नताशा, तुम्हारी दादी की तो चहीती है वो। वैसे अम्मा जरा मुझे ये तो बताइए कि क्या जरूरत थी आपको उसे नए नए जोड़े बनवा कर देने की, उसे फूलों के गजरों से सजाने की? क्या सगी लगती है वो आपकी, जरा ये बात समझाएंगी आप मुझे? नायमा बिल्कुल सही कह रही अम्मा, शादी में भी सब लोग पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है, रिश्तेदार है आपकी? और एक दो औरतों ने तो उसके रिश्ते के लिए दिलचस्पी भी जाहिर कर दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बहुत दिन से सोच रही हूँ कि उसका कहीं अच्छा रिश्ता करवा दूँ। रहने दे, मैंने बता दिया था कि बेवा औरत है और कोई घर बार नहीं उसका, ये सुनते ही पीछे हट गई वो लोग। अरे लोग क्या पागल है, कैसी मनहूस लड़की को ब्याह कर अपने घर ले जाए, ये तो हम ही हैं के पास रखा हुआ है। कितनी बुरी सोच रखती हो रजिया तुम उसके लिए। बस करे अम्मा, प्राय झगड़े में ना ही पड़े तो बेहतर है। अरे ना खानदान है उसका ना घर बार है, और सोचे अगर उसके ससुराल वाले यहाँ पहुंच गए तो क्या जवाब देंगी आप? ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर तुम उन लोगों से कुछ अच्छा कह देती ना उसके बारे में तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होता। खैर छोड़ दो, मेरे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं कर लूंगी रिश्ते की बात उसकी।